अरे मैं क्यों मारू उसे, मैं तो उसे जानता भी नहीं। हाँ पता है कि वो मर गया, पर मैं उसे क्यों मारू? सब बोलता हूँ सर, मुझे मारू मत, मेरी बात तो सुनो तुम। हाँ मैं उस दिन कर्फ्यू लगे हुए रास्ते पे कोने में शांति से खड़ा था, अचानक मेरे सामने एक टेम्पो आया जिसमें हाथापाई चालू था और उसी में से किसी एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को ऐसे धकेल के नीचे गिरा दिया। उसके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था और वो दर्द से चीख रहा था। तो क्या एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए साहब? मैं तो उसकी मदद करने ही गया था, पर वो कोई एक साधारण आदमी नहीं था। उसके सर पे कोई तो गोल्ड डार्क टीका था। फिर भी मुझे उसे तो बचाना ही था ना, तो मैं तो उसके पेट में जो खंजर लगा था उसे बिना कुछ सोचे समझे एक कपड़े से ऐसे खींच के बाहर निकाला। उसे बहुत दुखा, उसने अपने जोर से चिल्लाया, मेरे हाथ को ऐसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी वक्त उसके हाथ से कोई तो एक चीज छूट के बाहर गिरी रास्ते पे और उसे मैं देख रहा था तो किसी आदमी का काटा हुआ कलाई था। उस कलाई पे कुछ तो ब्रेसलेट जैसा था सोने का और उसके ऊपर लिखा था नीलेश। नीलेश तो ये मेरे बेटे का नाम, उसे कल ही उसके जन्मदिवस पर मैंने ये तोहफा दिया था। मैंने अपना कपड़ा निकाल के उसके घाव पर बांध दिया, उसे बहुत दुखा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। मैं उसे बार बार पूछ रहा था कि ये कहाँ से मिला, क्या है ये, मुझे कुछ समझा ही नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे बेटे की याद आने लगी और मेरे सामने वो पूरा कल उसका बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे स्लो मोशन में घूम गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरे हाथ में जो खंजा था मुझे